नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण माइती और आप देख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज एंड स्टॉक मार्केट चैनल, जिसमें आज हम लोग स्टॉक मार्केट पार्ट डिस्कस करेंगे। और स्टॉक मार्केट पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे कैंडलस्टिक के बारे में, कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक का बॉडी क्या होता है और कैंडलस्टिक का टाइप कितना होता है, ये सब चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो अपने लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के बाद आज का वीडियो रिलेटेड कुछ सवाल रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मेरे से जितना होगा मैंने आपको हेल्प करेंगे। और अगर मेरा चैनल में आपने नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला दिनों में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, जैसे टेक्निकल एंड स्टॉक मार्केट दोनों चीज़ों का मैंने आपको जानकारी देंगे। टेक्निकल पार्ट में मैंने आपको जानकारी देंगे फोटोशॉप, 3DX Max, वीरे, ऑटो कैड, ये सब ड्रॉइंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में, और स्टॉक मार्केट में मैंने आपको जानकारी देंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड जानकारी। तो अगर आपने नया है तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग चालू करेंगे। आज का टॉपिक चालू करने का पहले मैंने आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ। कैंडलस्टिक जो है, कैंडलस्टिक अगर आपने ट्रेडर बनना चाहता है, मेरा हिसाब से सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक को बारे में मालूम होना जरूरी है। कैंडलस्टिक बिना आपने ट्रेडिंग नहीं कर सकता, कैंडलस्टिक को जानकारी बिना आपने ट्रेड नहीं कर सकता मेरा हिसाब से। तो कैंडलस्टिक सबसे पहले आपने सीखिए, कैंडलस्टिक का बहुत सारा पैटर्न है, और ये सब सीखने के बाद आपने बहुत सारा स्टॉक है, बहुत सारा इंडेक्स है, ये सब का जो चार्ट रहेगा, चार्ट में आपने देखते देखते, बहुत सारा चार्ट देखते देखते आपने आंखों को ट्रेंड कर लीजिए, तब आपका ट्रेडिंग में बहुत आसानी रहेगा। और ओनली आपने कैंडलस्टिक सीख के ट्रेड नहीं कर सकता है, 360 डिग्री आपने जब एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल पार्ट में बहुत सारा एनालिसिस है, उसमें से कैंडलस्टिक भी एक पार्ट है। तो कैंडलस्टिक का पार्ट आपने जब कैंडलस्टिक सीख जाएंगे तो बहुत सारा चार्ट देखते देखते आंखों को ट्रेंड करना बहुत जरूरी है, तब जाके ट्रेड करना आसान रहेगा और 360 डिग्री एनालिसिस का आसान हो जाएगा। 360 डिग्री एनालिसिस में मैंने आपको धीरे धीरे सिखाएंगे, आज का टॉपिक अभी चालू करेंगे। तो मेरा बात अभी आप समझ गया होगा, मैंने जो बताया ओनली कैंडलस्टिक सीखने से नहीं होगा, आंखों को ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। बार बार मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ, आंखों को ट्रेंड करना जरूरी है, बहुत सारा चार्ट देखना है, देखते देखते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चलिए अभी का टॉपिक चालू करता हूँ, कैंडलस्टिक। आज का जो टॉपिक कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक क्या होता है? कैंडलस्टिक करीब आज से 300 साल पहले जापान का फार्मर्स लोग राइस का जो प्राइस अप एंड डाउन होता था उसको मेजरिंग के लिए यूज करता था। तो जापान में सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद यूएसए का एक सज्जन जिसका नाम है स्टीव निशन, उसी ने इस कैंडलस्टिक को फिर मॉडिफाई करके वो अमेरिकन मार्केट में इसको यूज किया। तो ये एक छोटा सा हिस्ट्री मेरे हिसाब से आपको, आप कैंडलस्टिक जब सीखेंगे इसका हिस्ट्री थोड़ा सा मालूम होना आपको जरूरी है, तो मैंने आपको इसलिए बताया। तो अभी आपको पता चल गया होगा कैंडलस्टिक क्या है, थोड़ा सा मालूम पड़ गया होगा, और किस लिए कैंडलस्टिक के बारे में मालूम होना जरूरी है आपको थोड़ा सा जानकारी हो गया होगा। और आज का जो टॉपिक का दूसरा एंड तीसरा जो पार्ट है, जो कैंडलस्टिक का बॉडी कैसा होता है और कैंडलस्टिक का टाइप कितना होता है, वो हम मैंने आपको सिखाएंगे, स्क्रीन पे ले जा करके स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे बॉडी और टाइप कितना होता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, वहीं पे दिखा देता है आपको, बाकी जो आज का टॉपिक वहीं पे सीख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन का अंदर, स्क्रीन में दिख रहा है बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अभी डरना नहीं, मैंने आपको सिखाएंगे इसका अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है मैंने सिखाएंगे। तो स्क्रीन पे आने के बाद मैंने आपको बोला था आज का जो टॉपिक का जो बाकी दो पार्ट है, एक है कैंडलस्टिक का टाइप कितना है और कैंडलस्टिक का बॉडी। तो पहले हम लोग सीखेंगे कैंडलस्टिक का टाइप कितना है। तो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, कैंडलस्टिक नॉर्मली दो ही टाइप का होता है, एक होता है बुलिश कैंडलस्टिक और दूसरा होता है बियरिश कैंडलस्टिक। नॉर्मली कैंडलस्टिक यही दो ही टाइप का ही होता है, आप ध्यान में रखिए, दो ही टाइप का कैंडलस्टिक होता है नॉर्मली, एक है बुलिश कैंडलस्टिक, दूसरा है बियरिश कैंडलस्टिक। और ये जो पिक्चर मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ इसको बोलता है बुलिश कैंडल, और ये जो राइट साइड में मैं रखा हूँ रेड कलर का, इसको बोलता है बियरिश कैंडलस्टिक। हमने लेफ्ट साइड वाला जो ग्रीन कलर में रखा हूँ इसको बुलिश कैंडल क्यों कहा जाता है, और राइट साइड में जो रेड कलर में रखा हूँ इसको बियरिश कैंडल क्यों कहा जाता है, मैं बताता हूँ। बियरिश कैंडल इसको इसलिए कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया जो कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक एक्चुअली बायर्स एंड सेलर्स का टैग ऑफ वार, वो कोई भी सेशन का दौरान हो सकता है, कोई भी सेशन का दौरान, जैसा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन,
एक हफ्ता जो भी है, जो बायर एंड सेलर का उस टाइम फ्रेम का अंदर जो टैग ऑफ वॉर का रिप्रेजेंटेशन वही है कैंडल स्टिक। तो इस कैंडल स्टिक का अंदर, इस कैंडल में, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल में, इस सेशन का दौरान बायर्स का पावर ज़्यादा था। ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, बाई प्रेशर ज़्यादा था इस कैंडल में, बाई प्रेशर ज़्यादा था, मतलब जो सेल ऑर्डर लग रहा था उससे कोई गुना ज़्यादा बाई ऑर्डर लग रहा था, बाई प्रेशर ज़्यादा था, बायर्स लोगों का प्रेशर ज़्यादा था, बायर्स लोग पूरा सेशन को डोमिनेट किया गया, इसलिए इस कैंडल को बोलता है बुलिश कैंडल स्टिक। और राइट साइड में जो कैंडल दिख रहा है वो रेड कलर का है, इसको बियरिश कैंडल स्टिक इसलिए बोला जाता है, इस सेशन का दौरान, इस कैंडल स्टिक में, इस सेशन का दौरान जो बायर एंड सेलर्स का टैग ऑफ वॉर था उसमें सेल प्रेशर ज़्यादा था, मतलब बाई ऑर्डर जितना लग रहा था उससे कोई गुना ज़्यादा सेल ऑर्डर लग रहा था, इसीलिए सेलर पूरा सेशन को डोमिनेट किया, इसलिए इसको बियरिश कैंडल बोला जाता है। तो आपको सिंपल सा, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, इस कैंडल को क्यों बुलिश कैंडल कहा जाता है और इस कैंडल को क्यों बियरिश कैंडल कहा जाता है। आपको मेरा हिसाब से आपको पता चल गया होगा क्यों इसको बुलिश कैंडल, क्यों इसको बियरिश कैंडल बोला जाता है। अभी हम लोग सीखेंगे कैंडलस्टिक का बॉडी के बारे में। कैंडलस्टिक को बॉडी के बारे में सीखने का पहले और भी एक दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बहुत मतलब क्विकली बता देता हूँ। ये जो कैंडलस्टिक का अभी हम लोग बॉडी सीखेंगे उसको पहले बताता हूँ। ये जो बॉडी में आप देख रहे हैं इस पे ग्रीन कलर लगा हुआ है, मतलब रखा हुआ है, और इसके अंदर रेड कलर रखा हुआ है। ये जो बॉडी के अंदर ग्रीन कलर और रेड कलर, बुलिश कैंडल नॉर्मली, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, नॉर्मली बुलिश कैंडल को ग्रीन कलर में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और रेड कलर को नॉर्मली रेड कलर में ही बियरिश कैंडल को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। लेकिन आज का डेट में टेक्नोलॉजी हाईफाई हो गया, आपने इस कलर को चेंज कर सकता है, कोई भी कलर रख सकता है, बुलिश कैंडल को भी और बियरिश कैंडल को भी, आपने कोई भी कलर में अपने रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। लेकिन नॉर्मली सब लोग, नॉर्मली जो परसेंटेज आप देखेंगे, ज़्यादातर लोगों ने बुलिश कैंडल को ग्रीन कलर में रखते हैं और बियरिश कैंडल को रेड कलर में रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको थोड़ा पहले बताया, जो टैग ऑफ वॉर जो कैंडलस्टिक है, टैग ऑफ वॉर रहता है बायर एंड सेलर का, वो कोई भी टाइम फ्रेम में हो सकता है। तो मैंने अभी जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये कैंडलस्टिक मैंने एक दिन को मैंने लेके डिस्कस करेंगे। मानो एक दिन का अंदर ये बायर एंड सेलर का अंदर लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई का दौरान जो कैंडलस्टिक बना हुआ है उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी ध्यान में रखिए, ये एक दिन का ही कैंडलस्टिक है, एक दिन का अंदर ये कैंडलस्टिक बायर एंड सेलर लड़ाई करके बना चुका है। और सेलर सेलिंग भी सेम है, बियर स्कैंडल जो है, बियर स्कैंडल वो भी सेम है, एक दिन का अंदर बायर्स एंड सेलर का अंदर जो टैग ऑफ वॉर चला उसी का रिप्रेजेंटेशन किया, एक दिन का अंदर ही बायर एंड सेलर का ये टैग ऑफ वॉर था। तो चलिए अभी मैं आपको बताएंगे, मैंने कुछ टर्म लिख के रखा हूँ। ये जो है ओपन प्राइस, आप देखिए मार्केट पिछला दिन जब खत्म हो गया था उसके बाद, पिछला दिन खत्म होने के बाद मार्केट इस जगह में ओपन हुआ है, इस जगह में ओपन है। तो इस जो ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है ओपन प्राइस, कोई भी एक प्राइस रह सकता है इसमें, तो ये जो प्राइस रहेगा इसको ओपन प्राइस कहा जाता है। उसके बाद देखो सेलर्स लोग क्या किया, सेलर्स लोग ज़्यादा सेल ऑर्डर लगाया और मार्केट को पूरा डोमिनेट किया, यहाँ तक तो लेके आया। इस पॉइंट के इसलिए हम लोग बोलता है लो प्राइस, ध्यान में रखिए ये वाला, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलता है लो प्राइस। अभी अभी देखो इसके बाद लो प्राइस, एक बार और एक बार दिखा देता हूँ, ये है लो प्राइस। इसके बाद क्या है, बायर्स लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर लगाया तो मार्केट को यहाँ तक तो लेके आया, इसका ऊपर, इस दिन का अंदर मार्केट और ऊपर तक तो और गया नहीं, यहाँ पे आके उसके बाद सेल प्रेशर चालू होगा। लेकिन इस जगह, इस पॉइंट में जो मार्केट को लेके आया बायर्स लोग, इसको बोला जाता है हाई हाई प्राइस। इसका ऊपर और मार्केट आज का इस दिन का अंदर मार्केट और ऊपर नहीं गया, इसलिए इसको बोला जाता है हाई प्राइस। तो इस दिन का जो हाई है यही है। तो उसके बाद फिर सेल ऑर्डर लगा, सेलर्स लोग फिर सेल ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा लगाया, अब देख सकता है यहाँ पे देखो, इसके बाद सेल ऑर्डर यहाँ तक लेके आया, सेल ऑर्डर लगा लगा के यहाँ तक मार्केट को खींच के लेके आया, तो इसको बोला जाता है, तो बोलता है क्लोज प्राइस। तो आप देख सकता है ये जो है यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गया, मतलब उस दिन का दरुन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद सेलर्स लोग यहाँ तक लेके आया, इससे नीचे नहीं लेके गया, इसलिए इसको बोलता है लो प्राइस। उसके बाद ऊपर लेके गया बायर्स लोग, यहाँ तक लेके आया सबसे, उस दिन का दरुन जो मार्केट सबसे ऊपर गया इस जगह में, इसलिए इसको बोला जाता है हाई प्राइस। और उसके बाद नीचे तक बायर्स
सेलर्स लोग फिर थोड़ा नीचे लेके आया, सेल प्रेशर, सेल ऑर्डर डाल के यहाँ पे ले जा करके मार्केट को क्लोज कर दिया। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्लोज प्राइस, उस दिन का दौरान मार्केट क्लोज हो गया यहाँ पे आने के बाद। तो अभी इस कैंडल का जो इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गया होगा, इसका बॉडी का अंदर जो ये चार्ट टर्म को आपको पता चल गया होगा। अभी यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है इसको शैडोज कहा जाता है, इसको पूछ भी बोलता है, इसको शैडोज ऑब्लिक पूछ पूछ भी बोलता है, बहुत सारे लोग इसको पूछ भी बोलता है इसको, ठीक है ना। तो कोई भी आप जब कैंडल स्टिक देखेंगे तो कोई भी मतलब बहुत सारा कैंडल स्टिक में इसको नहीं भी देख सकता है, लेकिन ये कैंडल में आपको दिखा रहा है तो ऐसा इसको मालूम होना चाहिए। ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, इसको शैडोज कहा जाता है। सेम चीज़ नीचे भी सेम है, आप देख सकता है नीचे भी यहाँ से यहाँ तक है, इसको इसको कहा जाता है शैडोज। तो आपको पूरा इस कैंडल का अंदर, इस कैंडल का जो इंटरप्रिटेशन आपको पूरा पता चल गया होगा। तो चलिए अभी राइट साइड का अंदर, अभी राइट साइड में बियरिश कैंडल का अंदर जाएंगे। बियरिश कैंडल में अभी हम लोग सीखेंगे इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। देखिए आप सीखेंगे अभी, सेम है लेकिन थोड़ा सा ही फर्क है। आप देखो क्लोज इसका नीचे हुआ है, आप देख सकते हैं इसका क्लोज नीचे है, इसका क्लोज, इसका ओपन ऊपर है, लेकिन बाई बुलिश कैंडल में आप देखो थोड़ा अपोजिट है, ओपन हुआ था नीचे, क्लोज हुआ था ऊपर हुआ था, ये मेन फर्क है। आप देख लीजिए यहाँ पे इसका क्लोजिंग था, यहाँ पे इसका ओपन था, लेकिन इसका ऑपोजिट है। इस सेशन का दौरान आप देखो इस कैंडलस्टिक में आपको पता चल रहा है यहाँ पे ओपन हुआ इस दिन का दौरान, उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके गया, बायर्स लोग यहाँ तक लेके गया, यहाँ तक लेके आया, इसको बोला जाता है हाई प्राइस। इसका ऊपर मार्केट उस दिन का दौरान और गया नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलता है, हाई प्राइस बोलता है, इसको बोलता है हाई प्राइस। उसके बाद फिर सेलर्स लोग क्या किया, सेलर्स लोग फिर सेल प्रेशर डाला, ज़्यादा मार्केट में ऑर्डर लगाया, सेल ऑर्डर लगाया, तो मार्केट को यहाँ तक लेके आया। इसका ऊपर और मार्केट नहीं गया उस दिन का दौरान, यहाँ तक जो आया इस पॉइंट को इसलिए बोला जाता है लो प्राइस। इसका नीचे मार्केट इस दिन का दौरान और गया नहीं, इसलिए इसको बोलता है लो प्राइस। आप देख सकता है मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, ये लो प्राइस हो गया, थोड़ी ये था हाई प्राइस, ये आगे लो प्राइस में आ गया, लो प्राइस में उस दिन का दौरान लेके गया। उसके बाद फिर बायर्स लोग बाई प्रेशर डाला, मतलब ऑर्डर डाला, ऑर्डर डालते गया, बायर्स लोग बाई प्रेशर किया, उसके बाद मार्केट को यहाँ ले जा करके क्लोज कर दिया। वो वहाँ जाने के बाद मार्केट उस दिन का दौरान मार्केट क्लोज हो गया, तो ये हो गया क्लोज प्राइस। तो आपको पता चल गया सीधा सीधा मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, सेलर्स लोग, उसके बाद बायर्स लोग बाई प्रेशर डाला, यहाँ तक मार्केट आया, उसका ऊपर नहीं गया इसलिए इसको हाई प्राइस बोला। इसका फिर सेलर्स लोग सेल किया, फिर यहाँ तक लेके आया, ये इससे नीचे मार्केट नहीं गया इसलिए इसको लो प्राइस कहा जाता है, और फिर बायर्स लोग बाई प्रेशर डाला, फिर यहाँ तक लेके आया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। दिन का अंदर, इस दिन का अंदर बायर्स एंड सेलर का जो टैग ऑफ वार था खत्म हो गया, इसलिए इसको क्लोज प्राइस किया। तो सेम है अभी जो इंटरप्रिटेशन, मैंने थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। अभी पूछ को बारे में बताएंगे, शेडोज जो है सेम है, उस कैंडल में जो था जैसा बुलिश कैंडल में सेम चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ का अंदर जो शेडोज दिख रहा है, इसको पूछ भी कहा जाता है, इसको पूछ कहा जाता है, नहीं तो इसको शेडोज कहा जाता है, नहीं तो इसको डांडी भी कहा जाता है, जो भी है ये है, मतलब कैंडलस्टिक में दिखता है, मतलब कैंडलस्टिक का बॉडी का अंदर। अभी आपको पता चल गया होगा बॉडी का अंदर जो हाई प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस क्या है आपको पता चल गया होगा। अगर आज का वीडियो रिलेटेड कुछ वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, आपको मालूम पड़ गया होगा जो आज का टॉपिक था, क्लियर हो गया होगा। अगर मालूम नहीं पड़ा, कुछ सवाल है आपका मन में, कुछ क्वेश्चन है, तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मेरे से जितना होगा मैंने आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो लंबा हो गया, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और जाते जाते बोल रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और मेरा चैनल में नया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाला दिनों में तब आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और चलिए हम लोग फिर नया वीडियो में नया कॉन्टेंट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।